बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ असद, एनएक्स किचन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और हम बना रहे हैं मीट बॉल स्पेगेटी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास चॉपर मौजूद है और इस चॉपर में हम ऐड करेंगे अपने ये तमाम जनाब वेजिटेबल्स, जिसमें टमाटर है, हरी प्याज, शिमला मिर्च, उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्च, कड़ी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और आखिर में हम डालेंगे इसमें मिंट यानी कि पुदीना। और इन सब को हमने क्या करना है, अच्छे से पीस लेना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे मीट बॉल। अच्छा, उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा, और इस चिकन के कीमे में अब हम शामिल करेंगे चिली पेस्ट। मैं शामिल करूंगा चिकन पाउडर, और उसके बाद काली मिर्च और नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने हाथों में ऑयल लगा लिया है मैंने थोड़ा सा, और इससे अब हम बना लेंगे कोफ्ते। मीट बॉल हमारे पास तैयार हो गए हैं, और अब यहाँ पर मल्टीपर्पज़ हमने ले लिया है पैन, और उसको मैंने ऑन किया है मार्क टू पर। ठीक है, कोफ्तों को हम इसमें फ्राइंग के लिए डालते जाएंगे। चटनी पीसी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके साथ अब हमने इसको थोड़ी देर के भूनना है। और अब बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की, जिसमें मैं डाल रहा हूँ चिली सॉस, सोया सॉस और वाइट विनेगर। साथ में डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा नमक, चिकन पाउडर। अब इन नूडल्स को हम ले लेंगे, और जिस डिश में आपने इसको प्रेजेंट करना है उसमें हम नूडल्स को, नूडल्स का बेड। और अब इसके ऊपर हमने ये मीट बॉल प्लस इसका जो सॉस है वो हम साथ साथ इस पर डालते जाएं। और यहाँ पर हमारे पास मीट बॉल स्पेगेटी तैयार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। हर काम अब आसान है एनएक्स से, खुशियाँ और आराम है एनएक्स से। हर काम अब आसान है एनएक्स से।